क्या है, अगर आपको इनका क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटेंस के लिए लगाएंगे क्यू डिवाइडेड बाय इनका आपस में पोटेंशियल का डिफरेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव आएगी तो बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे। तो अगर मैं आपको ये ढूंढ दूं तो आंसर आ जाएगा सी का। तो ये ढूंढने के लिए डेफिनेशन क्या यूज करेंगे, वही पुरानी माइनस ई डॉट डी आर। माइनस ई डॉट डी आर अगर आपको यूज करना है तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव और मैं इसी डायरेक्शन में चलता हूं, तो ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, इनिशियल, और ये क्या हो गया, फाइनल। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में क्या आएगा, फाइनल माइनस क्या, इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू क्या, माइनस ई डॉट डी आर। ई कहां पर है, यहां पर है। ई की जो वैल्यू है, जो ई है उसकी वैल्यू कहां पर है, यहां पर है। डी आर कहां पर है, यहीं पर है, क्योंकि मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो दोनों में ये एंगल क्या होगा, जीरो। अब ई की वैल्यू इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर चेंज होगी, तो कोई भी आर डिस्टेंस पे ई क्या होगा, आउटर शेल तो ई लगाएगा नहीं अंदर, आउटर शेल तो ई जीरो लगाता है, इनर शेल लगाएगा 1/4 πε0 q/r2। तो ई को पुट कर दिया, कहां से कहां जाना है, ए से लेके बी तक, तो लिमिट क्या लगाई, ए से लेके बी तक। तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक, ठीक। तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, 1/4 πε0 q बाहर आ गया, क्या बचा, आर की पावर -2। आर की पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या है, आर की पावर -1/-1, क्लियर है यहां तक, ए से लेके बी, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, ये स्टेप क्लियर है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे से क्या निकल गया, वी माइनस माइनस वी प्लस, मुझे क्या निकालना है, उल्टा। तो इसको उल्टा करो, तो इसको भी उल्टा कर दो, ए वाली टर्म आगे, बी वाली टर्म पीछे, तो ये स्टेप क्लियर है, माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो कैपेसिटेंस क्या होगी, क्यू डिवाइडेड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पूरी की पूरी वैल्यू को नीचे क्यू से क्यू कैंसल, सॉल्व करके आंसर ये फॉर्मूला याद करेंगे कि एक स्फेयर या स्फेरिकल कैपेसिटर कंसेंट्रिक जो शेल्स हैं उनकी कैपेसिटेंस क्या होती है, 4πε0 एबी बाय बी माइनस ए। स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है। मेंस या नीट में मैंने देखा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ ये ऑप्शन दिया हुआ है मार्क करने को, बोलो आंसर क्या होगा, ऐसे भी आ जाते हैं कॉम्पिटिशन में, देखा है क्वेश्चन ये, मतलब एनसीईआरटी डेरिवेशन तो है ही है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बुक्स में दिखेगा, यही मार्क करने को आ गया। तो मैंने बोला कई बार बहुत आसान भी आता है, कई बार इसके भरोसे मत रहना, कई बार मुश्किल भी आता है। आसान, एवरेज और मीडियोकर तीनों में क्वेश्चन पेपर बनेगा, पर ऐसा भी आ जाता है। क्लियर है यहां तक। अब ये आपको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है, आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब आप कहीं मार्केट में जाएंगे और दुकानदार को कहेंगे कि भैया कैपेसिटर देना, वो आपसे पूछेगा दो चीजें, एक कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए तेरे को, दूसरा कौन सा चाहिए, भैया डिटेल में बता, सिलेंड्रिकल चाहिए, स्फेरिकल चाहिए, पैरेलल प्लेट चाहिए, यानी कि शेप के साथ भी कैपेसिटेंस चेंज होती है और वैल्यू के साथ तो कैपेसिटी है ही है, चेंज हो रही है। तभी तो वो हम एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, हम शेप चेंज करी जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट विद कंडक्टिंग स्लैब, डायलेक्ट्रिक स्लैब, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल आ गया, ये देखो कैपेसिटर। तो इससे फॉर्मूलाज डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इससे ये पता लग रहा है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू शेप से चेंज होती है। और ये टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो वो क्या कहता है, अब हम एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लेंगे, जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है वो, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे,